हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में टेम्प फाइल को कैसे डिलीट करें, जो कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं होती है, जिसे हम टेम्पररी फाइल भी कहते हैं। पहले हमको टेम्पररी फाइल डिलीट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्पररी फाइल क्या है। टेम्पररी फाइल एक ऐसी फाइल है, जब हम इंटरनेट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है और ये हमारे कुछ भी काम की नहीं होती है। जो कि आपके लिए कुछ भी काम की नहीं होती है तो कंप्यूटर में ये हमारी स्पेस रोकती है, तो हमें इसके लिए इसको डिलीट करना पड़ता है। एंड इसका एक और भी रीजन है, क्योंकि जब ये टेम्पररी फाइल बढ़ जाती है तो इसके रीजन से हमारा कंप्यूटर हैंग भी होने लगता है। इसके लिए आपको विंडोज प्लस आर प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे एंड आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगा एंड आपको टाइप करना है %temp% एंड आपको एंटर दे देना है। जैसे ही एंटर होंगे एंड आपके सामने ये सारी ही सारी टेम्पररी फाइल है वो आपकी दिख जाएगी। आपके लैपटॉप में जितने भी टेम्पररी फाइल आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 522 मेरी टेम्पररी फाइल है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा Ctrl+A एंड इसकी मदद से सारी की सारी फाइल सिलेक्ट हो गई है एंड आपको डिलीट की को प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे, ये फाइल बहुत ज्यादा है, इसके लिए ये टाइम लगी डिलीट होने में। थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी फाइल डिलीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।